नेक्स्ट चैप्टर है सावरिंग रिलेशनशिप्स। अश्नीर हमेशा अपनी कंपनी की कॉस्ट मॉनिटर करते रहते थे और हर चीज को लो बजट में रखते, जिसमें उनकी खुद की सैलरी भी शामिल थी। कई महीनों की कड़ी मेहनत और ग्रोथ के लिए लगातार पुश करने के बावजूद अश्नीर ने सिकोया के हर्षजीत सिंह को मेल लिखा और उनकी एनुअल सैलरी को बढ़ाकर 60 लाख करने के लिए कहा। लेकिन उधर से जवाब आया कि अभी अपनी सैलरी 36 लाख ही रखो। वीसी को मिलियन डॉलर की सैलरी मिलती है, लेकिन वो फाउंडर्स को उतना पैसा देना नहीं चाहते जितना वो डिजर्व करते हैं। वीसी को लगता है कि उन्होंने पैसा लगाया है इसलिए कंपनी सक्सेसफुल है, और फाउंडर्स को तो वो लोग अपना नौकर समझते हैं। इसके बजाय सिकोया ने फाउंडर और ESOP शेयर्स को 3 मिलियन डॉलर में खरीदने का ऑफर दे डाला। हर्षजीत ने कहा कि वो कुछ दिनों में इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग अटेंड करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करवा लेंगे, जो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होगी। मीटिंग मंडे को होनी थी, लेकिन वेडनेसडे भी चला गया और अश्नीर को हर्षजीत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने कॉल किया तो हर्षजीत ने उनसे फॉर्मल इंग्लिश में बात की। उन्होंने कहा कि सिकोया और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अश्नीर तुरंत समझ गए कि हर्षजीत साफ झूठ बोल रहे हैं। घिसा पिटा बहाना बनाने के बजाय हर्षजीत ये बोल सकते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर उनके सीनियर्स ने अप्रूव नहीं किया, या फिर इतना बड़ा अमाउंट उनकी कंपनी को रिस्की लग रहा है। लेकिन अश्नीर को ज्यादा बुरा ये लगा कि हर्षजीत ऐसे बहाने बनाकर उनकी इंसल्ट कर रहे हैं और एक टिपिकल बैंकर की तरह बात कर रहे हैं। उस दिन के बाद से अश्नीर का हर्षजीत और सिकोया दोनों से भरोसा उठ गया। इस बीच अश्नीर ने सुहैल समीर को दोबारा कॉन्टैक्ट किया क्योंकि भारत पे को एक चीफ बिजनेस ऑफिसर की सख्त जरूरत थी। लेकिन वो उस वक्त बड़े हैरान हुए जब उन्हें एक दुबले पतले सुहैल लंबी दाढ़ी के साथ नजर आए। सुहैल ने बताया कि 15 करोड़ मिलने की उम्मीद के बाद से ही उन्होंने RP संजीव गोयनका ग्रुप से रिजाइन कर दिया था और अभी फिलहाल वो खाली बैठे हैं और नई जॉब की तलाश में हैं। अश्नीर ने सुहैल को 1.75 करोड़ एनुअल सैलरी और ESOP में काफी बड़े शेयर का ऑफर दिया और साथ ही ये भी कहा कि सारे CXO अपने एग्जीक्यूशन और बड़े स्ट्रेटेजिक मामलों के लिए सुहैल और उन्हें रिपोर्ट करेंगे। अश्नीर बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जबकि सुहैल उन्हें एफिशिएंट तरीके से एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। शुरुआत में सुहैल अपने वर्क एथिक्स पर खरे उतरे। वो सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचते और देर शाम तक ओवरटाइम भी करते। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑफिस में सबके साथ फ्रेंडशिप करने की भी पूरी कोशिश की। अश्नीर ऑब्जर्व कर रहे थे कि सुहैल एग्जीक्यूशन में तो एक्सपर्ट है, लेकिन उनके अंदर ओरिजिनल आइडियाज और बड़ा पिक्चर देखने की कैपेबिलिटी नहीं थी। फिर एक दिन अश्नीर को एक बेनाम ईमेल आया जिसमें लिखा था कि सुहैल का RP संजीव गोयनका ग्रुप में किसी शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उन्हें कंपनी छोड़ने को कहा गया। यहां तक कि उस लड़की ने भारत पे में सुहैल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। असल में सुहैल ने खुद रिजाइन नहीं किया था, उन्हें निकाला गया था। ये जानकर अश्नीर हक्के बक्के रह गए, पर वो सुहैल को एक चांस देना चाहते थे। उन्होंने सुहैल से कहा कि उन्हें सारे मामले की खबर है और वो उस लड़की को हायर नहीं करने वाले हैं। सुहैल ये सुनकर हंस पड़े और ऐसे बिहेव किया जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चैप्टर है मार्टर टू वन्स ओन कॉज। साल 2020 के अंत में अश्नीर को सेंट्रम ग्रुप के चेयरमैन जसपाल बिंद्रा की तरफ से एक ऑफर मिला। जसपाल जानना चाहते थे कि क्या अश्नीर बैंक के लिए बिड करना चाहेंगे। सेंट्रम शुरुआत से ही भारत पे के लिए ट्रेजरी हैंडल कर रहा था। अश्नीर सेंट्रम पर भरोसा करते थे क्योंकि वो तब से उनके साथ काम कर रहे थे जब कंपनी की कोई वैल्यू कोई पहचान नहीं थी। जिस बैंक की बात जसपाल कर रहे थे ये PMC बैंक था। RBI ने सेंट्रम ग्रुप को अप्रोच किया था कि वो इसे टेक ओवर कर सकते हैं या नहीं।
पीएमसी बैंक के घोटाले का खुलासा सितंबर 2019 में हुआ था। बैंक ने बैड लोन्स छुपाने के लिए फेक अकाउंट्स बनाए थे जिनकी कुल कीमत थी 7,000 करोड़। बैंक में पब्लिक का 10,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट खतरे में था। यही कारण था कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक को सस्पेंड कर दिया था। साफ जाहिर था कि बैंक को इस बुरी हालत से बचाने के लिए किसी विजनरी की जरूरत थी। जसपाल स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से एक बैंकर थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सेंट्रम में एक स्टेक मिल गया था। उन्हें पता था कि सेंट्रम की तरफ से कोई भी पीएमसी डील को फंड नहीं करने वाला, इसलिए उन्हें एक पार्टनर की जरूरत थी। अश्नीर के लिए ये एक गोल्डन जोड़ी थी। आरबीआई सेंट्रम को बैंकिंग लाइसेंस देने को तैयार हो सकती थी क्योंकि ये 30 सालों से एक भरोसेमंद कंपनी रही थी। भारत पे पीएमसी को टेकओवर करने के लिए फंड प्रोवाइड कर सकता था। ये काफी अच्छी डील साबित हो सकती थी क्योंकि भारत पे आसानी से पीएमसी को एक डिजिटल बैंक में बदल सकता था। अश्नीर तुरंत 50-50 की पार्टनरशिप के लिए राजी हो गए। जनवरी 2021 में अश्नीर और जसपाल ने ऑफिशियली पीएमसी की बिड ज्वाइन की। बाकी बिडर्स में थे लिबर्टी ग्रुप के संजीव गुप्ता और हैदराबाद और मुंबई की दो और बिजनेस फैमिलीज। बिडिंग प्रोसेस जून 2021 तक चलता रहा। भारत पे के अंदर इंडिया की पहली फिनटेक बनने की पोटेंशियल थी जो बैंकिंग लाइसेंस ले सकती थी। इसी बीच अश्नीर उस साल की फंड रेजिंग ट्रिप के लिए यूएस चले गए। मार्च से अप्रैल 2021 के बीच इंडिया में बेहद खतरनाक कोविड वेव फैली थी। अश्नीर का प्लान मई में यूएस जाने का था। वो इस पूरे पैनडेमिक के दौरान काम करते रहे। अपने काम को लेकर उनके अंदर जुनून था। उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, यहां तक कि फर्स्ट वेव के टाइम पर भी नहीं। कुछ एम्प्लॉय शिकायत करते रहे, लेकिन जो प्रोडक्ट वो लोग डेवलप कर रहे थे कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर उन्होंने कोविड के दौरान मेहनत नहीं की होती। अश्नीर के लिए फंडरेजिंग ट्रिप छोड़ना बड़ी आसान सी बात थी क्योंकि उनके पास इस काम के लिए काफी लोग थे। 2021 में अश्नीर ने सुमित सिंह को जनरल काउंसिल की पोस्ट के लिए हायर कर लिया। सुमित शार्दुल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर है। अश्नीर जब ग्रोफर्स में थे तो उनके साथ काम कर चुके थे। सुमित का पहला फॉरेन ट्रिप तब हुआ था जब अश्नीर उन्हें सिंगापुर लेकर गए थे। अश्नीर सुमित की शादी अटेंड करने जयपुर भी गए थे। वो जानते थे कि भारत पे को बैंकिंग लाइसेंस लेते वक्त सुमित उन्हें कानूनी मामलों में मदद कर सकते हैं। अश्नीर ने सुमित को 80 लाख का ज्वाइनिंग बोनस दिया। इसके अलावा सुमित को एनुअल सैलरी और बेनिफिट्स अमाउंट के तौर पर 1 करोड़ रुपए और ESOP वेस्टिंग भी ऑफर की गई थी। लेकिन सुमित सिंह अश्नीर की तीसरी हायरिंग मिस्टेक साबित हुए। पहले और दूसरे में सुहेल समीर और CHRO जसनीत कौर शामिल थे। चौथे हायरिंग मिस्टेक थे रजनीश कुमार, प्रोफेशनल डायरेक्टर जिनसे अश्नीर बाद में मिले थे। सुहेल CEO डेजिग्नेट, यानी वो इंसान जो करंट CEO को रिप्लेस करता है, बन गए। अश्नीर को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो अक्सर एक छोटे ग्रुप के साथ हैंगआउट करते रहे थे। सुहेल जसनीत और सेल्स के साहिल चावला के ज्यादा करीब थे, जो एक चुगली करने और लोगों की पर्सनल बात यहां से वहां करने वाले के तौर पर बदनाम थे। इसी दौरान भाविक को लग रहा था कि जसनीत और सुहेल की क्लोज फ्रेंडशिप कहीं प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर भारी ना पड़ जाए, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज को जसनीत पर भरोसा करने में प्रॉब्लम आए। अश्नीर को उम्मीद थी कि सुहेल और जसनीत मैच्योर प्रोफेशनल्स की तरह इस मुद्दे को खुद ही हल कर लेंगे। अश्नीर ने जाने से पहले सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। उन्होंने जसनीत को एक बड़ी टेक टीम बनाने का काम सौंपा क्योंकि जब से स्टार्टअप्स के बीच बेस्ट टैलेंट हायर करने का कंपटीशन चल पड़ा था, अच्छे इंजीनियर्स का मिलना मुश्किल हो गया था। अश्नीर ने भारत पे के 2 नए प्रोडक्ट पोस्ट पे और 12 क्लब को पूरा करने का काम भी सुहेल और भाविक को सौंप दिया था। उसके बाद वो 1 मई को माधुरी और अपने बच्चों के साथ यूएस के लिए रवाना हो गए। उन लोगों ने क्वारंटीन पीरियड कंप्लीट किया और जल्द से जल्द वैक्सीन भी लगवा लिया। तो दोस्तों,
अभी तक आपने इस समरी में क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर लिखे। नेक्स्ट चैप्टर लेकर जल्द ही मिलता हूँ।